नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार बिजनौर में देर रात पुलिस और 2.5 लाख के इनामी बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश आदित्य राणा इलाज के दौरान ढेर हो गया। पुलिस और कुख्यात बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि कुख्यात इनामी बदमाश आदित्य राणा बीती 23 अगस्त 2022 को शाहजहापुर ढाबे से पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था। तभी से पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम उसकी तलाश में जुटी हुई थी। बीती रात सिहोरा के बुढ़नपुर में सर्विलांस टीम को बदमाश की लोकेशन मिली, इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आदित्य राणा को पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली लगने से आदित्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आदित्य बदमाश के खिलाफ 47 केस दर्ज थे और उसके ऊपर 2.5 लाख का इनाम भी घोषित था, जो कि बिजनौर के सिहोरा थाना क्षेत्र के जानू नंगला इलाके का रहने वाला था। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया, 11-12 अप्रैल की मध्यरात्रि को बिजनौर पुलिस की आदित्य राणा गिरोह के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें आदित्य राणा को पुलिस ने घायल अवस्था में हिरासत में लिया है, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। इस मुठभेड़ में हमारे 5 बहादुर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, इनको उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर है। आदित्य राणा प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित एक शातिर माफिया था। इसके विरुद्ध 43 मुकदमे संगीन धाराओं में दर्ज हैं, जिसमें 6 मर्डर के मुकदमे, 13 लूट के मुकदमे शामिल हैं। इसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का इनाम था। ये दो बार 2017 में तथा 2022 शाहजहांपुर में ये पुलिस हिरासत से भागा था पेशी के दौरान। इस गिरोह के लगभग 48 सदस्य चिन्हित किए जा चुके हैं, जिसमें 6 की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी है। उनके गिरफ्तारी के लिए निरंतर कॉम्बिंग ऑपरेशन बिजनौर पुलिस द्वारा किया जा रहा, हमारी टीम लगी हुई है, उनकी गिरफ्तारी भी हम करेंगे। इस संबंध में समस्त वैधानिक कार्रवाई बिजनौर पुलिस। और इसी के साथ जुड़ रहे हैं बंधन समाचार के साथ।